नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं नियोजित शिक्षक। जिस तरीके से आज शिक्षक दिवस के दिन ही सड़कों पर उतर आए, क्या ये हमारे समाज की विडंबना नहीं है? क्या ये सरकार की आलोचना नहीं है? और एक तरफ नीतीश कुमार की सरकार यह कहती है कि सुप्रीम कोर्ट से जब झटका लगा था तो उसके बाद मैंने ही सहारा दिया है और आने वाले दिनों में काम भी मैं ही दूंगा। क्या वो काम देंगे नहीं देंगे? इस वक्त माधव आनंद जी हमारे साथ हैं, रालोसपा नेता। सर, नीतीश कुमार ने कहा है कि काम तो मैं ही दूंगा। देखिए, नीतीश जी स्वाभाविक है मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के कुर्सी पे वो बैठे हैं तो कोई भी दावा कर सकते हैं। हम लोग तो सरकार के पार्ट नहीं है, लेकिन जहाँ तक शिक्षकों की मांग है, शिक्षकों की जायज़ मांग है, एक ही काम के लिए अगर कोई दो व्यक्ति एक ही काम करता है और उसको दो अलग वेतन मान रखें तो स्वाभाविक है उसमें आक्रोश तो जायज़ है जो है। तो और वहाँ तक बात है, हम लोग कहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाह रहा हूँ कि बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको जो है सो समान वेतन मिलना चाहिए जो पुराने शिक्षक थे। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिस तरह उन पुराने शिक्षकों को पेंशन की जो प्रक्रिया है, पेंशन की प्रक्रिया में इन लोगों को भी सम्मिलित करना चाहिए। नीतीश जी का क्या कि नीतीश जी ने जो 14 साल तक लगातार शासन करते हैं रहे हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने बर्बाद कर दिया। आज क्या है उसके पीछे रीजन है, एक स्ट्रेटजी के तहत बर्बाद किया गया है। अगर मैं कहता हूँ, अगर युवा शिक्षित हो जाएंगे, बच्चे पढ़ लिख लेंगे, तो एक व्यक्ति 14 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठा जा सकता है। आप में भी क्षमता है कि आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इनमें भी क्षमता है कि बन सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटजी के तहत आपने शिक्षा व्यवस्था को ही ध्वस्त कर दिया। और ये मैं नहीं कहता हूँ, हम लोग की पार्टी तो कहती ही आई आज से नहीं, लगभग 3 साल 4 साल से। उनका आरोप ये भी था कि आज शिक्षक दिवस है जब हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने आए हैं, तो बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है कि अब आंदोलन करने से भी रोका जा रहा है? देखिए, नीतीश जी हर आंदोलन को कुचलना चाहते हैं जो सामाजिक हो, सामाजिक से जुड़ा हुआ चीज़ हो, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो, शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता आवे, ये कोई पॉलिटिकल विषय तो है नहीं। अगर शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगा तो तमाम सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। मेरे बच्चे भी पढ़ेंगे, आपके भी बच्चे पढ़ेंगे, तब उनके बच्चे भी पढ़ेंगे। अगर बिहार की शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता होती, अगर शिक्षकों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती, समान काम के लिए समान वेतन दिया जाता, तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था की जो है आज जो है प्रशंसा होती। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए, नीति आयोग का रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आपको पता है वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में क्या कहा गया है? बिहार की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर बताई गई है और कहा गया कि मलावी जो अफ्रीकन कंट्री है उससे भी बदतर स्थिति बिहार की शिक्षा व्यवस्था की यहाँ है। तो इसका दोषी कौन है? अरे, आप 14 साल से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठा हुआ हो, आप एक भी समस्या का निदान नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से आपका ये अहंकार बोल रहा है कि मैंने ही नौकरी दिया है और मैं ही कुछ करूँगा, ये आपका अहंकार बोल रहा है। आप कोई परोपकार नहीं कर रहे हैं, आपको मुख्यमंत्री के कुर्सी पे इसलिए बैठाया गया था, लेकिन आप तो शिक्षा व्यवस्था को छोड़ दीजिए, तमाम हर मुद्दे पे आप जो है सो विफल साबित। अच्छा, एनआरसी के मुद्दे पर लगातार जो बिहार में उठ रहा है, बिहार में एनआरसी लागू करना चाहिए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एनआरसी का मुद्दा घुसपैठिया तो है। देखिए, एनआरसी का जो मुद्दा है वो बहुत सेंसिटिव है, घुसपैठिया है नहीं है, वो तो एक विषय है कि जिसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन मेरा यही कहना है, मेरी पार्टी की भी यही मांग है कि जो जेन्यून लोग हैं उस पर जो है सो किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कोई उस तरह के लोग हैं जिनका आ चुके हैं इंडिया में, अगर उनके पास प्रमाण पत्र है, किसी तरह का कागजात है, तो सरकार को उसको भी संज्ञान में लेना पड़ेगा, क्योंकि वो व्यक्ति आज से नहीं, बहुत दिनों से जैसे इंडिया में रहना, चाहे असम की बात करें या बिहार की बात करें, तो इस पर सरकार को संभल के चलने की जरूरत है। शुरू से बिहार में बीजेपी जेडीयू साथ रही है, डबल इंजन की सरकार है, एनआरसी का मुद्दा हो, धारा 370 का मुद्दा हो, और भी कई मुद्दे हैं, डबल इंजन में जान किसी एक ही इंजन में रहता है। देखिए, नीतीश जी की जहाँ तक बात है, नीतीश जी जो है ना सत्ता के लोभी व्यक्ति हैं, वो सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चल बीजेपी समझते हैं। और आज की स्थिति जो है कि नीतीश जी दो नाव की सवारी कर रहे हैं। नीतीश जी ये देख रहे हैं, पहले प्रधानमंत्री का ख्वाब देखते थे, अब वो प्रधानमंत्री बन नहीं पाए, अब वो जानते हैं कि उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई है। तो 2020 में उनकी सेटिंग कैसे हो जाए, कैसे वो कुर्सी जो है सो बना रहे उनके लिए, उसके लिए संघर्षरत हैं। बीजेपी भी इस चीज़ को समझती है, महागठबंधन भी इस बात को समझता है, और मुझे लगता है बिहार की जनता ने भी मन बना लिया है। और नीतीश जी कितने डरे सहमे हुए हैं, वो आपके पूरे पटना में जो आज के डेट में जो होर्डिंग्स लगा हुआ है, क्यों करे विचार, सबको पता है। तो वो समझ चुके हैं कि बिहार की जनता मन बना चुकी है कि 14 साल 15 साल का जो शासन है, आपने कुछ भी जो है बिहार के लिए काम करने का काम नहीं किया है। देखिए, बिहार की जनता की अगर हम बात करें तो वो तो विचार करेंगे ही, 2020 का चुनाव निकट है, फिलहाल अभी समय है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि विचार किसे करना चाहिए, बीजेपी को विचार करना चाहिए या फिर महागठबंधन को विचार करना चाहिए या नीतीश कुमार को विचार करना चाहिए? आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।